वेलकम टू कम्पीट इंडिया जोन. सो दिस इज मी अक्षय राज, जो कि आज फिर से मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ऑफ फॉर द पेपर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 7th June. सो यूपीपीएससी एई की 712 वैकेंसीज निकली हैं. उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. सो दीज आर फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. द सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड इन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मैं बात करूंगा बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस की. सो आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिससे आपको बेसिक पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं और हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस एज सच रिपीट हो जाएं. सो एंड बिफोर यू प्रोसीड विद दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आप cizplus.com पर जाकर खुद को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि उस पर हमने बहुत सारे कोर्सेज डाले हैं जो कि आपको यूपीपीएससी में हेल्प करेंगे. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, उसका वो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें. सो नाउ वी शैल बिगिन विद दिस वीडियो. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. तो वो कौन सा मेंबर है? स्ट्रट, कॉलम, बीम और ट्रस. सो इसका करेक्ट आंसर है बीम. हमें ये बहुत क्लियरली बेसिक डेफिनेशन बीम की पता होनी चाहिए. बीम क्या होता है? जब ट्रांसवर्स लोड लगता है, जैसे ये एक मेंबर है तो इसकी ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. अगर आप इसके परपेंडिकुलर लोड लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों लोड्स इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं. देयरफॉर इट इज अ बीम. सो बीम होता है जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है. बीम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड कुछ भी हो सकती है. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बीम का हॉरिजॉन्टल होना है. अगर मैं स्ट्रट बात करूंगा, स्ट्रट कंप्रेशन लेते हैं. ये एक्सियल मेंबर्स होते हैं जिसमें एक्सियल कंप्रेशन आता है. कॉलम भी एक्सियल कंप्रेशन लेते हैं, बट कॉलम्स वर्टिकल होने जरूरी है. इनका वर्टिकल होना जरूरी है. मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट्स. स्ट्रट्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड कुछ भी हो सकते हैं, बट कॉलम को नेसेसरीली वर्टिकल होना पड़ेगा. और अगर हम ट्रस देखेंगे, ट्रस बार्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जिसमें कि या तो टेंशन आएगी या कंप्रेशन आएगी. सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखते हैं. कॉन्टिन्यूस बीम्स आर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स, स्टैटिकली ग्रेविटी बीम्स, फ्रेम्ड बीम्स. सो इसमें फ्रेम्ड बीम्स और स्टैटिकली ग्रेविटी बीम्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. ये तो एक यूजलेस टर्म्स है. स्टैटिकली डिटर्मिनेट या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट. सो कॉन्टिन्यूस बीम्स हमेशा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होती हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज, ये नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हो जाती हैं. तो जैसे कि सपोज मैं कोई भी एक कॉन्टिन्यूस बीम बनाता हूं, जिसमें मल्टी स्पैन बीम्स को हम कॉन्टिन्यूस बीम्स कहते हैं, लाइक दिस. तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं इस पर टोटल यूडीएल लगाऊंगा तो यहां पर कई सारे रिएक्शन आ सकते हैं. तो अगर सिर्फ मैं यूडीएल लगा रहा हूं, लेट्स से यूडीएल और वर्टिकल फोर्सेज ही लगा रहा हूं, तो यहां पर एक और ये दो, टू रिएक्शन. यहां पर एक ही रिएक्शन आएगा, यहां पर भी एक रिएक्शन आएगा. सो टोटल रिएक्शन हो गए चार. और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है सिर्फ दो. कौन कौन सी? सिग्मा सम ऑफ मोमेंट्स जीरो एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जीरो. ये दो इक्वेशंस हैं और दो रिएक्शंस हैं. सो इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट हो गया. सो कॉन्टिन्यूस बीम्स आर इनडिटर्मिनेट. नेक्स्ट हम देखते हैं. शियर फोर्स इज अनबैलेंस्ड डैश टू द लेफ्ट और राइट ऑफ सेक्शन. सो शियर फोर्स क्या है? इट इज अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स. शियर फोर्स किसी भी सेक्शन के या तो आप राइट में ले लें या लेफ्ट में देख लें, एक पर्टिकुलर सेक्शन के अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स का नाम है शियर फोर्स. शियर फोर्स टेंड्स टू डू द शियर फेलियर ऑफ अ बीम. एक बीम का शियर फेलियर होने के लिए हम शियर फोर्स उसी को कहते हैं जो शियर फेलियर करवाने की कोशिश करती है. बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग फेलियर करवाने की कोशिश करता है. शियर फोर्स शियर फेलियर करवाने की कोशिश करती है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. हॉगिंग. हॉगिंग किसको कहते हैं? हॉगिंग इज नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट. तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. सैगिंग क्या होती है? सैगिंग होती है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, जिससे कि लाइक दिस. ये है सैगिंग, इसको पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं. अगर मैं हॉगिंग कहूंगा तो वो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है. ऑल्दो मैं ये बात बता देता हूं कि ये कन्वेंशन है,
99.9% authors और examinations में यही convention ली जाती है जिसमें hogging को negative कहते हैं और sagging को positive कहते हैं. But फिर भी कुछ books ऐसे हैं, कुछ authors ऐसे हैं जो इनको उल्टा लिया जाता है. But आपके लिए अगर hogging पूछा जा रहा है तो आप इसको negative bending moment ही लें, positive मत लेना. So next time देखते हैं this question. Two beams, one having circular cross section and other having square cross section is subjected to same amount of bending moment. So, दोनों पर M same है, circular section पर भी और square section पर भी. If the cross sectional area and material are the same, then maximum bending stress developed in both the beams is same. The circular beam experiences more bending stress than square. The square beam experiences more bending stress than circular. Both the beams will experience same deformation. तो यहाँ पर हमें bending stresses को compare करना है. एक circular section है और एक square section है. दोनों पर दोनों का sectional area same है, material भी same है. तो सबसे पहली बात, देखो इस तरह का question अगर आपको MCQ में आता है, आपको mathematics लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप directly fundamental सोचेंगे, आपको इसका answer मिल जाएगा. आपने क्या कभी कोई circular beam देखी है? सर्कुलर बीम नहीं यूज की जाती. बहुत रेयर सर्कमस्टांस में हम सर्कुलर बीम लगाते हैं. क्यों नहीं लगाते हैं सर्कुलर बीम? क्योंकि सर्कुलर बीम पर ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. सारी बीम्स रेक्टेंगुलर होती हैं या एट द मैक्सिमम स्क्वायर भी होती हैं, तो स्क्वायर बीम पर स्ट्रेसेस कम आएंगे. तो इसका सबसे पहला सीधा सीधा आंसर तो ये आप करके आ सकते हैं दैट सर्कुलर बीम एक्सपीरियंसेस मोर बेंडिंग स्ट्रेस देन द स्क्वायर बीम. इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी होगा. हाँ, अगर आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ. मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है. आपको बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन लगानी है. आप जानते हैं दैट सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय जेड. सो मान लो कि आप सिग्मा वन है स्क्वायर एंड सिग्मा टू है सर्कुलर. तो जब आप सिग्मा वन को स्क्वायर मानते हैं तो ये एम बाय जेड कितना होगा? ए क्यूब बाय सिक्स. अगर मान लेते हैं ए साइड है एक स्क्वायर की तो ए क्यूब बाय सिक्स हो जाएगा जेड. एंड सिमिलरली अगर मैं सिग्मा टू देखता हूं तो सिग्मा टू अगर आप एक सर्कुलर में देखेंगे तो आप एम डिवाइडेड बाय सर्कल का क्या होगा? पाई डी क्यूब बाय 32. आपने जस्ट क्या किया, उनको सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड कर दिया. एम बाय ए क्यूब बाय सिक्स, एम बाय पाई डी क्यूब बाय 32. अब आप इन दोनों का रेशियो लेके चेक कर लो कि सिग्मा वन ज्यादा है कि सिग्मा टू ज्यादा है. सो जब आप सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा टू करेंगे उसमें आपको यहां पर पता लगेगा कि ये बन जाता है m से m कैंसिल होगा और ये पाई डी क्यूब बाय 32 डिवाइडेड बाय ए क्यूब बाय 6 हो जाएगा. इस तरीके से ही होगा ना, ये m से m कैंसिल होगा, ए क्यूब बाय 6 नीचे रहेगा और पाई डी क्यूब बाय 32 ये हो गया. अब अगर मैं यहां पर देखता हूं डी क्यूब और ए क्यूब में क्या रिलेशनशिप होगा वो आप निकाल सकते हैं. अगर आपके पास एक स्क्वायर का एरिया और एक सर्कल का एरिया आप इक्वेट कर दें, सो लेट्स से दैट आई इक्वेट ए स्क्वायर विद वाई बाय 4 डी स्क्वायर. दोनों का एरिया इक्वेट कर दिया तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए क्यूब कितना होगा? ए क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट ए क्यूब बिकम्स ए स्क्वायर इंटू ए, विच मीन्स ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर तो है ही है एंड दिस बिकम्स रूट पाई ऑफ 2 इंटू डी. आप समझ गए, आप इस वैल्यू को उसमें डाल देना. अब आपको ए क्यूब मिल गया है. ए क्यूब क्या है? डी क्यूब. सो इसको मैं फाइनली लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. ये आप इसको देख सकते हैं ये क्या बन गया, पाई अंडर रूट पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी क्यूब डिवाइडेड बाय 8. तो ये आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई है. अब आप सिग्मा वन बाय सिग्मा टू में पुट करना चाहते हैं तो ये कितना होगा? दिस विल बी पाई डी क्यूब बाय 32 डिवाइडेड बाय ए क्यूब की आप ये वैल्यू डाल दें इसमें, दिस विल बी पाई रूट पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 8. ये तो हो गया ए क्यूब डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पर ये 6 भी आ जाता है. एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. यहां से आप इसको सॉल्व करके डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल होगा तो ये आपको पता लगेगा दैट सिग्मा वन बाय सिग्मा टू एक वैल्यू आ जाती है 48 डिवाइडेड बाय 32 अंडर रूट पाई. ये आएगी ना, तो 48 बाय 32 हो गया.
1.5 divided by under root of pi. So 1.5 under root of pi agar karenge, to ye value less than 1 hogi. This will certainly be less than 1, which implies that sigma 1 is less than sigma 2. So sigma 1 kya tha? Sigma 1 tha, agar hum upar dekhenge, sigma 1 humne liya tha square ke liye. This was for square. So square mein stress kam aayega, sigma 1 less than sigma 2 hai. Iska matlab square mein stresses kam aa rahe hain. So therefore, iska correct answer ho jata hai option B. So yehi hum directly soch kar bhi kar sakte hain ki kabhi bhi circular beams use hi nahi hoti hain. Isiliye nahi hoti kyunki circular beams mein jo stresses hain wo kam aate hain, wo zyada develop hote hain. Circular beam mein stresses zyada develop honge. To hum rectangular ya square par hi aayenge. So iska humne mathematical proof bhi kar liya hai. I hope aapko samajh aaya hoga. The ratio of the maximum shear stress to the average shear stress in a beam with square cross section. So square cross section ke liye to shear stress ka isi tarike se banta hai. To yahan par hame maximum by average hoga 3/2, yani ki 1.5. Hum jante hain that tau maximum is equal to 1.5 of tau average. Ye aapko yaad rakhna hai. To ye shear stress distribution hai, isliye iska answer 3/2. वो क्वेश्चन चलने देते हैं, चलने दो. The variation of the shear stress on the transverse plane of a normal beam section caused by a transverse shear force is usually. तो आप देखें, हमें यहाँ पर shear stress variation पूछी है on a transverse plane of a normal beam section. हमें shear stress variation की बात है. Shear force की वजह से, तो बहुत ही simple है, ये क्या हो जाएगा? It is parabolic, ये आपको याद रखना है, हमेशा ही parabolic होता है, topmost और bottommost fibers पर ये zero रहता है. Maximum shear stress in a circular cross section is, so circular cross section पर maximum shear stress कितना होता है? तो ये भी आपको याद करना होगा, अगर एक circular cross section है, इसका variation तो parabolic होता है, but tau max in this case is 4/3 of tau average. So therefore, the correct answer is option number B. What is variation in shear force diagram if the type of loading in simply supported beam is UDL? So, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितना degree loading की है, उससे एक degree ज़्यादा shear force की और उससे भी एक degree ज़्यादा bending moment की. तो अब यहां पर UDL लगाया है, तो इसलिए शियर फोर्स डायग्राम होगा लीनियर, और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करूंगा तो वो होगा पैराबोलिक. तो इसलिए आपका इसका आंसर होगा लीनियर, ऑप्शन नंबर बी. ये याद रखें, जितनी डिग्री लोडिंग की होती है उससे एक डिग्री ज्यादा होती है शियर फोर्स डायग्राम की, एंड उससे भी एक डिग्री ज्यादा होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की. जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो अगर कंसेंट्रेटेड लोड लगा होता तो शियर फोर्स डायग्राम होना था कॉन्स्टेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता लीनियर, राइट. The rate of change of shear force is equal to, so dv by dx, the rate of change of shear force किसके बराबर होगा? अगर आप इसके units देखेंगे, ये units है newton divided by meter, तो ये bending moment तो कभी नहीं हो सकता. हाँ, the rate of change of bending moment is equal to shear force, but the rate of change of shear force is equal to intensity of loading. इसका answer आप intensity of loading कर सकते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में होता द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, तो आप यहां पर शेयर फोर्स करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम इज मैक्सिमम व्हेन, तो शेयर फोर्स क्या होनी चाहिए जिससे कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहे. अब हम एक बेसिक डेफिनेशन जानते हैं दैट शेयर फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट. अब अगर आपको बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट के हिसाब से शियर फोर्स जीरो होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शियर फोर्स जीरो. तो इसका अगर मैं बेसिक एग्जांपल भी लूंगा तो वही है, जब यूडीएल लगता है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियर बनता है एंड बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है. तो जब लीनियर, जब शियर फोर्स जीरो होती है तो उसी टाइम पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 पर. तो आपको याद रखें शियर फोर्स जीरो होने पर ही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं आपको पसंद आए होंगे और कुछ आपको पता लगा होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है.
कुछ बहुत कम क्वेश्चंस हमने किए हैं, ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस हम डालते रहेंगे अपने इस YouTube चैनल पर, जिस पर आपको UPPSC से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप हमारे और भी बाकी कोर्सेज CIZ+.com पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने सभी कुछ लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें मैं आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम कम है UPPSC का, जो 7 जून को एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक गिवन होगा और टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक गिवन होगा, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते जाएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ अपनी कौन से टॉपिक्स पर डालें, ताकि आपके प्रिपरेशन में हम आपके हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।